नमस्कार, इंडिया में आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद भी आज का सत्र हंगामेदार रहने की आशंका है। वहीं पेगागस जासूसी विवाद, महंगाई, बेरोजगारी और चीन के अतिक्रमण जैसे मुद्दों को लेकर भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों ने बताया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा की ओर से पारित किए जाने के बाद तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को लोकसभा में विचार किए जाने और पारित करने के सूचीबद्ध उसे किया जाएगा। इस विधेयक को लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद ही इसे राज्यसभा में भी लाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि विधेयक उन तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए हैं जिनके खिलाफ किसान पिछले एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि ऐसे में जब हम आजादी का 75वां वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो समय की जरूरत है कि सभी को समावेशी प्रगति और विकास के रास्ते पर साथ लिया जाए। तो ऐसे में आज से आपको बता दें कि संसद का ये शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। कृषि कानून निरस्त करने के संबंधी बिल पेश करेगी सरकार, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब ये कह दिया है कि कृषि कानूनों को हम रद्द कर देंगे, तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, जिसके लिए अब इसे निरस्त करने का विधेयक जो है आज पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से संसद में। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी पूरी तरह से रणनीति बनाए बैठा है कि किस तरह से संसद में सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है।